हाय गाइस, क्या आप किसी बंदे फेमस यूट्यूबर के साथ वीडियो बनाते हैं और वो वीडियो वायरल हो जाती है, उसके बाद आप उसी वीडियो में अच्छे खासे व्यूज भी आते हैं, सब्सक्राइबर भी अच्छे खासे बढ़ जाते हैं, लेकिन उसके बाद व्यूज नहीं आते? क्या दूसरे वीडियो में व्यूज नहीं आते? तो आज उसी के सॉल्व के बारे में बताऊँगा किस तरह से वो सॉल्व करना है वो प्रॉब्लम। मैंने देखा है कि इस तरह से बहुत लोग मेरे पास आते हैं और इस तरह से वीडियो बनाते हैं, कॉलअप करते हैं और वो वीडियो वायरल हो जाते हैं, उसके बाद दूसरा वीडियो व्यूज ही नहीं आते। तो आप दूसरा वीडियो में भी व्यूज कैसे लाएं, तो उसी के बारे में आज बताऊंगा। तो मैं सनातन, मेरे यूट्यूब चैनल टेक विद सनातन में आप सभी का स्वागत है। मैं आज उसी के बारे में बताऊंगा कि कैसे प्रॉब्लम इसका सॉल्व करें, और मेरे चैनल पे इसी तरह से आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, जो आप बेसिक प्रॉब्लम होती है उसी के बारे में यहाँ बताते रहता हूँ। तो आज बात करते हैं कि ये अधिकतर देखा है मैंने कि जो नए यूट्यूबर होते हैं उनका, या पुराने यूट्यूबर ही बट उन बहुत वीडियो बना लिए, उनका वीडियो वायरल ही नहीं होती है। और एक कोई यूट्यूबर फेमस है या जो अभी ट्रेंडिंग में चल रहे कोई पर्सन, उनके साथ वीडियो बना लिए तो वो वीडियो वायरल हो जाती है। पर वही वीडियो वायरल होती है, इसके साथ चैनल भी सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं, अच्छी खासे लोग आपका चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो देखते हैं, वही वीडियो, पर दूसरे वीडियो में व्यूज क्यों नहीं आते? सब्सक्राइबर तो आपको बढ़ गया है। तो रीज़न ये होती है कि क्या होता है पता नहीं हमें, कि वीडियो लेकिन जब भी वायरल होती है तो सब्सक्राइबर ऑटोमेटिक सब आपके चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लेकिन आपको देख के नहीं, उसमें जो आपके साथ आया हुआ जो बंदा आपके चैनल पर आया उनको देख के करता है। तो ये रीज़न होती है कि सब्सक्राइबर तो आपका बन गया है, अब आप क्या करते हैं कि आप अपना वीडियो डालते हैं तो आपका वीडियो में व्यूज ही नहीं आती है। तो व्यूज लाने क्या है और क्या प्रोसेस है जब आप किसी के साथ वीडियो बना रहे, क्या ध्यान में रखना है, वो आज मैं आपको डिटेल बताऊँगा। तो जी हाँ, जब आप किसी के साथ चैनल पर इंटरव्यू वीडियो बनाते हैं, कुछ भी चीज़ कॉलअप करके वीडियो बनाते हैं, तो ध्यान रखिएगा बीच बीच में अपना चैनल के बारे में जो वो बताते रहिएगा, ताकि जो व्यूज है, व्यूअर है, उनको भी पता चले कि आप चैनल में क्या करते हैं क्या नहीं। इससे क्या होता है कि आप यदि इंटरव्यू ले रहे किसी का और या किसी के साथ आप वीडियो बना रहे जो फेमस बंदा, उसी के साथ ले रहे, उसी का सब कुछ बता रहे, उसी पर डेडिकेट है फुल वीडियो, तो इससे क्या होती है कि सबको उसी को ध्यान में रख के वीडियो देखते हैं, ना कि आपको। तो यही रीज़न होती है कि वीडियो तो ख़त्म हो जाती है, उसके बाद कोई को होते सब्सक्राइब कर दिया, एक दो वीडियो कभी कभार व्यूज जाती है लेकिन वो भी नहीं जाती है। तो वही ध्यान रखना है इसको, जब भी आप कर रहे हैं तो चैनल में बीच बीच में अपना चैनल के बारे में उसको बताते रहना है कि मेरा चैनल पर ये आती है, इस तरह से प्रॉब्लम है तो आप सॉल्व कर सकते हैं, या मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ध्यान रखिएगा तो क्या होता है कि आपका जो व्यूअर है वो भी आपको पकड़ के रखेंगे कि हाँ यार, इसके चैनल में ये चीज़ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। मतलब आप जो जिसको जो प्रॉब्लम है या जिसको जो जानकारी है वही रहेंगे, वैसे बात नहीं, सभी रहेंगे। जैसे टेक से रिलेटेड है और आप किसी इंटरव्यू लिए, तो सभी को इंटरव्यू देख के आए हैं, लेकिन आप बताएं नहीं कि मेरे चैनल पे क्या होता है क्या नहीं, किस तरह से वीडियो बनती है, तो उसके बारे में बताइएगा। तो हो सकेगा कोई लोग जाएंगे और आपका चैनल में सब देखेंगे कि अरे वीडियो भी चल रही है, नीचे देखेंगे भी जाके आपका चैनल पे कि किस तरह से वीडियो बनती है, तो उनको पसंद आए तो दूसरा वीडियो भी देखती है, देखेंगे जरूर ही। यदि आप इस तरह से नहीं करते हैं तो क्या होता है कि वो वीडियो ही देखेंगे और वो वहाँ से चल जाएंगे। इसके अलावे ये तो बात रही, इसको ध्यान में आपको हमेशा रखना है ताकि जो फ्यूचर में इस तरह से वीडियो बनाएंगे तो आपका काम देगा। और ये हमेशा होता है कि आप किसी फेमस बंदे के साथ वीडियो बनाते हैं तो वो वीडियो अच्छे खासे व्यूज जाते हैं और दूसरे वीडियो में व्यूज नहीं जाते। मेरे पास भी बहुत लोग इस तरह से आते हैं और वीडियो बनाते हैं तो उनका वो वीडियो कहीं ना कहीं व्यूज अच्छे खासे आते हैं और दूसरा वीडियो में व्यूज ही नहीं आते। तो वही रीज़न होता है कि आप वो चीज़ गलती करते हैं, तो इस बार से आप वो गलती ना करें। सेकंड बात करें तो आपको यहाँ से साथ ही साथ आई बटन जो होती है वीडियो की, वो भी डाल देना। इससे क्या होता है, आई बटन में वीडियो का लिंक दूसरा का डालते हैं, दूसरा वीडियो का भी, तो होता है कि सजेशन में जैसे आती है वीडियो चलते चलते तो वहाँ से देखते हैं, अरे ये वीडियो भी इसका चैनल पर, रुको हम देखेंगे इसको ख़त्म होने के बाद। तो इस तरह से होती है कि वहाँ से डायरेक्ट ख़त्म होने के बाद देखते हैं या तुरंत वहाँ पर घुसती है तो उस वीडियो में भी व्यूज आती है। इसके अलावे आपको क्या करना है और एक बात ध्यान रखना है, एंड स्क्रीन लगाने नहीं भूलिएगा। जी हाँ, एंड स्क्रीन, यदि आपको नहीं पता कि एंड स्क्रीन कैसे लगाया जाता है तो इसके बारे में वीडियो बना दूंगा नेक्स्ट में। आप लोग कमेंट करके बताइए कि एंड स्क्रीन कैसे वीडियो लगाएं, दूसरा और वीडियो जो है तो उसके बारे में एक सेपरेट से वीडियो बना दूंगा। तो जी हाँ, एंड स्क्रीन लगाने से क्या होता है, जैसे वीडियो ख़त्म होती है तो दूसरे वीडियो आपका सजेशन आ जाती है, तो एक दो वीडियो यदि लगाते हैं तो हो सके दोनों वीडियो को देखा, हाँ चलिए ये वीडियो भी कैसे बनाता है चलिए देख लेते हैं, तो देखने के बाद ख़त्म होने के बाद वो वीडियो भी चल जाएगी, जिसके चलते उस वीडियो में भी आपका व्यूज आ जाएगी। एक वीडियो में 1 लाख व्यूवर आ गए जो इंटरव्यू वीडियो बनाए, सोचिए, और दूसरा वीडियो में आया नहीं, तो वही वाला यदि 1 लाख आदमी
से कम 50,000 आदमी भी पूरा वीडियो आपका यदि देखा और लास्ट में एंड स्क्रीन लगा दिए दूसरा वीडियो का भी, तो हो सके वहाँ से फिर आपके दूसरा वीडियो में जम करता है और वो वीडियो भी देखता है। तो इस तरह से आपका वीडियो जो व्यूअर है आपको पकड़ के रखेगा, एक जाल से बन जाएगा और वो हमेशा आपका वीडियो देखेंगे। नहीं तो उसी तरह से यदि आप करते हैं इंटरव्यू लेते हैं और उसी को फोकस करके वीडियो बनाते हैं तो वही होगा कि आज व्यूअर्स आ जाएंगे उनको देख के, आपका हो सके चैनल मोनेटाइज भी हो जाएगा उनका वीडियो से, बाकी वीडियो नहीं चलेगी। तो आपको ध्यान रखना है कि ये करने नहीं भूलिएगा और इसको हमेशा कीजिएगा। तो मेरे चैनल पे इसी तरह से और वीडियो बनते रहेगी, तो फिर मिलते हैं कि नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। तो चैनल पे नए सब्सक्राइब करने नहीं भूलिएगा, इंस्टाग्राम का आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन दिया है, उसको भी फॉलो कर लीजिए। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।